हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल। नाउ स्टार्ट योर केमिस्ट्री। तो कल आपको टेस्ट है ना? तो आपका जो सिलेबस है वो आपको मालूम होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और रेडियस है और ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो मैंने आपको एक डीपी भी सेंड किया है, मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर वन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैक्ट डैट। पहला ऑप्शन, जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव सेम रेडियस। बी, जिरकोनियम एंड हाफनियम, HF है, हाफनियम हैव सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। सी, जिरकोनियम एंड वाइट्रियम हैव सेम रेडियस। डी, जिरकोनियम एंड NB have similar oxidation state। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप आंसर करो, ठीक है, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और कल टेस्ट के लिए आपको प्रिपरेशन भी हो जाएगा। बराबर है? इसका आंसर क्या होगा? सबने बोला है ए, राइट आंसर इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर टू जो है वो ये है, राइट डाउन करो और मुझे जल्दी जल्दी आंसर करो। या व्हेन ए न्यूट्रल एटम इज कन्वर्टेड टू एनायन, when a neutral atom is converted into anion, when a न्यूट्रल एटम इज कन्वर्टेड इंटू एनायन, पहला ऑप्शन एटॉमिक नंबर इंक्रीज, सेकेंड ऑप्शन एटॉमिक नंबर डिक्रीज, थर्ड ऑप्शन साइज इंक्रीज, फोर्थ ऑप्शन मास नंबर डिक्रीज। ऑप्शन समझ में आया ना? एटॉमिक नंबर इंक्रीज, एटॉमिक नंबर डिक्रीज, साइज इंक्रीज, मास नंबर डिक्रीज। क्या होगा? साइज विल इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमने दिया है Na2S4O6 H2SO5 H2SO4 और Na2H2O3। मुझे आपको बताना है इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होल नंबर नहीं है। इस चार ऑप्शन में से 1, 2, 3, 4 किसका ऑक्सीडेशन स्टेट
होल नंबर नहीं है, होल नंबर मतलब 1, 2, 3 नहीं है, फ्रैक्शन में हो। अब आपको याद होगा कौन सा आंसर है बताओ इसका जल्दी। ऑप्शन, अब हम निकालते हैं Na2S4O6। आपको मालूम है यहाँ पे 4x, यहां क्या लिखू मैं, -12, -2 × 6। यहां पर -2 × 6 होगा और सोडियम पे कितना होगा, +1, तो 2 सोडियम है तो +2 = 0। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/4, तो ये होल नंबर में नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, बात करते हैं H2SO5 का। आपको याद होगा H2SO5 का मैं एक्सेप्शन में लिखवाया था, S+6 में होता है। ठीक है, इसी तरह से आपका रिवाइज भी हो जाएगा। H2SO4 में सल्फर का यहां पर X-8+2 = 0, X = +6 होता है। अब यहां पर Na2H2O3, यहां 2X-6+2, X = +2। तो यहां पर +2 है, यहां पे +6 है और यहां भी +6 है। ये तो एक्सेप्शन है और ये 10/4 है। तो यहां होल नंबर है, यहां होल नंबर है, होल नंबर है, होल नंबर है, लेकिन यहां पर होल नंबर नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, शगुले करेक्ट योर आंसर। H2SO5 का क्या होता है, +6। ठीक है, याद करना, जितने भी स्पेशल टाइप के एग्जाम्पल है मैं आपको बताया था, क्या क्या बताया था, मैं आपको बताया था CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, इसमें कैल्शियम जो होता है, सॉरी क्लोरीन जो होता है, एक +1 में होता है और एक क्लोरीन -1 में होता है। ठीक है, नेक्स्ट बताया था CrO5 में, इसमें जो होता है क्रोमियम +6 में होता है। H2SO5 में बताया था, ठीक है, सल्फर +6 में, H2H2O8 कार्लो एसिड यहां +6 में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो याद करना ब्लीचिंग पाउडर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, ब्लीचिंग पाउडर में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, एक का +1 और एक का -1। ठीक है, इस तरह से मैं रिवाइज भी करवा दे रहा हूं आपको। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग ऑलवेज Which of following always exhibit -1 oxidation state? Which of following
एग्जिबिट माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑप्शन इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सोडियम और हाइड्रोजन. कौन ऐसा एटम है जो हमेशा माइनस वन दिखाता है? एक आंसर आया राजवी का. बाकी नेक्स्ट स्टूडेंट रिद्धिराज का, उसका भी राइट है, राजीव का भी राइट है, चौगुले का भी राइट है. आंसर इज फ्लोरीन. फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के वजह से कभी भी फ्लोरीन पे प्लस नहीं होता है. ऑक्सीजन पे प्लस टू हो जाता है, प्लस वन भी होता है. सोडियम पे तो प्लस वन होता ही है, हाइड्रोजन पे प्लस वन भी होता है, हाइड्रोजन में माइनस वन होता है, लेकिन कभी भी फ्लोरीन पे प्लस वन कभी नहीं होता है, ऑलवेज माइनस वन. ऑक्सीजन पे माइनस टू भी होता है, माइनस वन भी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैं आपको और लिखवाया था, याद होगा आपको, Fe H2O 5 NO और SO4. ये मैंने आपको ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के लिए बताया था, और यहां बताया था आयरन का प्लस वन होता है, ये भी स्पेशल केस में बताया था. और एक बताया था Fe4 Fe CN6 होल थ्राइस, प्रूसियन ब्लू, यही बताया था आपको. बाहर वाले का प्लस थ्री होता है और अंदर वाले का प्लस टू होता है. 32 आपको याद करने के लिए मैं बोला था, तो याद रखना ये सब एक्सेप्शन में आते हैं, मतलब एक्स्ट्रा. तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से. अब मेरे को ये बताओ Na2 Fe CN5 NO और .2H2O, ये इसमें आपका आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है. क्वेश्चन ये है कि ये कंपाउंड दिया गया है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना. मैं आपको हिंट के लिए बता दे रहा हूं, सोडियम पे प्लस वन चार्ज होता है, ठीक है, आयरन का तो निकालना है. CN पे माइनस वन लोगे, NO पे जीरो लोगे और वाटर पे जीरो लोगे. तो अगर आपको याद नहीं होगा तो आप याद कर लेना और यहां निकालो, मेरे को बताओ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा. साहिल जगदारे, इन्हें पहले वाला. हाँ, राजीव का आंसर आ गया. तो कल वाला टेस्ट का आपका मार्क जल्दी आ जाएगा, इसलिए कल आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है. कल एट ए टाइम आपको, एट ए टाइम जब आप एग्जाम सबमिट करोगे एट ए टाइम आपका रिजल्ट आएगा. इसका आंसर राजवी का एक आया, बाकी का राजवी का भी 100% करेक्ट है. इसका मान लेंगे x, CN का हो जाएगा माइनस फाइव, एक CN पे माइनस वन, NO पे जीरो हो जाएगा, वाटर पे जीरो हो जाएगा, सोडियम पे प्लस टू हो जाएगा, इक्वल टू जीरो. एक्स इक्वल टू कितना आ गया, प्लस थ्री, सोडियम पे आ जाएगा प्लस थ्री, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CrO5, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5. राजवी का आंसर आया 10. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5. साक्षी का आंसर आया प्लस 6. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5. रिद्धिराज का आंसर आया प्लस 6. करेक्ट आंसर क्या होगा, प्लस 6. ये एक्सेप्शन है, ये आप बनाओगे तो माइनस 10 आएगा, बराबर है क्या, लेकिन यहां पर ये 10 क्या हो जाता है, गलत हो जाता है. मैं आपको एक्सप्लेन किया भी था, इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई होता है और इसमें आपका परॉक्सी लिंकेज होता है, और मैं यहां पर आपको लिख के दिया भी हूं. तो करेक्ट आंसर इज प्लस 6. तो जो एक्सेप्शन है उसको ध्यान में रखने का, ब्लीचिंग पाउडर CrO5.
नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe 0.940, व्हाट विल बी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। आपको डेसिमल में नहीं, फ्रैक्शन में ही बोलना है, फ्रैक्शन में ही बोलना है। इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ मेरे को। व्हाट विल बी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, व्हाट विल बी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, व्हाट विल बी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। आपको डेसिमल में नहीं बताना है, आपको ये मेरे को बताओ FeO में, FeO में आयरन का क्या है, FeO में आयरन का क्या है, सॉरी ऐसा करो Fe2O3 में आयरन का क्या है। FeO में भी निकाल लो, FeO में आयरन का क्या है। चलो यहां निकालते हो तो क्या करते हो, 2x लिखते हो। क्यों लिखते हो 2x, क्योंकि आयरन की संख्या 2 है। यहां क्या लिखते हो -6 = 0। जब आयरन 2 है तब 2x लिखते हो, तो यहां आयरन 0.94 है तो क्या लिखोगे 0.94x। जब 2 था तो 2x लिख रहे थे, 94 है तो 0.94x लिखेंगे। -2, यहां 1 है तो x लिखेंगे -2 = 0। x इक्वल टू हो जाएगा 2/0.94। ये डेसिमल ऊपर जाएगा 200/94। यही आपको ऑप्शन में मिलेगा, आपको इसमें सोल्व नहीं करना है। हाँ, साक्षी का आंसर आया 100/47 बराबर है। तो आप ऑप्शन के अनुसार से जाओ, हो सकता है ऑप्शन में भी मिले। तो 100/47 भी राइट है और ये भी राइट है। ठीक है, तो हम देख लेंगे ऑप्शन में क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालना हमें, नेक्स्ट हमें निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और ये जो लिखा मैंने स्पेशल एग्जांपल लिखा हूं मैं, तो इसको आपको अलग से ध्यान रखने के लिए मैं बोला था 1, 2, 3, 4, 5, 6 एग्जाम्पल्स अभी के लिए। नेक्स्ट है BaHPO2 whole twice में आपको फास्फोरस का निकालना है। तो यहां पर हमें BaHO, जल्दी से लिखो, रब जल्दी करेंगे इसलिए स्क्रीनशॉट ले लो। BaHPO2 whole twice, स्क्रीनशॉट ले लो आप, नहीं तो टाइम लगेगा सॉल्विंग करने में। तो मुझे ये बताओ इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा। एनी स्टूडेंट, क्या आएगा देखो आप कैसे बनाएंगे। साक्षी का -11/2, तो देखो कैसे बनाएंगे। अब इसको हमें बनाना है तो पहले इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला मल्टीप्लाई कर देते हैं H2 और ये P2 और ये O4, स्क्वायर ब्रैकेट वाला को हम मल्टीप्लाई कर देते ताकि हमारा बनाने में आसान हो जाएगा। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना लोगे। तो जब जब आपको ऐसा आए तो आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको बनाने में आसान होगा। ये H2 हो गया, ये P2 हो गया और ये O4 हो गया। हमें फास्फोरस का निकालना है, 2x मान लेंगे, माइनस ऑक्सीजन का 8 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन पे 4, चार ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन पे -2, चार ऑक्सीजन पे 4, सॉरी चार ऑक्सीजन पे -8। फास्फोरस हाइड्रोजन पे, एक हाइड्रोजन पे +1, दो हाइड्रोजन पे +2,
बेरियम, एक बेरियम पे प्लस टू इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, जीरो। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, टू प्लस टू फोर प्लस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो, टू एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, वन मिनट, बेरियम फास्फोरस का निकालना है ना। यहां पर थोड़ा सा करेक्शन करना है, एच टू है, बराबर है क्या, वहां एच टू है, करेक्शन कर लेना क्योंकि फास्फोरस का कोई प्लस टू आता ही नहीं है, यहां एच फोर हो जाएगा, तो थोड़ा सा यहां पर करेक्शन कर लेना आप, फोर हो जाएगा, अब फोर प्लस टू सिक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस टू, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस वन। तो यहां पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस वन। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ एच टू है, प्लस वन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन, राइट डाउन करो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इज, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इज प्लस वन प्लस टू जीरो प्लस थ्री। कहने का मतलब यह है कि जब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट लिया जाता है तो अपना ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखाता है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो प्लस वन दिखाता है। ठीक है, कहां पर माइनस दिखाता है, मेटल के साथ, जैसे लिथियम हाइड्राइड, तो मोस्टली जो है हाइड्रोजन को क्या हम लेते हैं प्लस वन, हालांकि हाइड्रोजन माइनस भी होता है लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज में हम हाइड्रोजन को प्लस वन लेते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्लस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेकेंड ए ग्रुप, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट इज प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लस टू सेकेंड ए ग्रुप इज क्या होगा प्लस टू, और ग्रुप नंबर वन का क्या होता है प्लस वन। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं डस्टिंग करूंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहां पर भी लिख लेना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ए का क्या होगा प्लस वन, और सेकेंड ए का क्या होगा प्लस टू, जिसे अल्कली मेटल का प्लस वन और अल्कलाइन अर्थ मेटल का प्लस टू। मोस्ट ऑफ द केसेज में हाइड्रोजन का क्या होता है प्लस वन। ठीक है, और इस केस में फास्फोरस का क्या होगा प्लस वन, ब्लीचिंग पाउडर का क्या होगा प्लस वन और माइनस वन, क्लोरीन का प्लस वन और माइनस वन, CrO5 में क्रोमियम का क्या होगा प्लस सिक्स, CrO5 कार्लो एसिड और मार्शल एसिड आपको याद है मैं बताया था, और ये है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। तो आपको निकालने का तरीका तो मालूम है, इतना आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन HCl, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन HCl, दो मिनट में आया,
हाँ थर्ड ए का प्लस थ्री होता है, थर्ड ए का नहीं, हाँ थर्ड ए का बोरॉन फैमिली का प्लस थ्री होता है, प्लस वन भी होता है। HCl का क्या होगा? माइनस वन होगा ना, x प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस वन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ HCl इन HCl इज माइनस वन, ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन सल्फर सोडियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस में अरेंज करना है। सिलिकॉन सल्फर सोडियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम दिया गया है आपको, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस में आपको मेजर करना है, बताना है। ये आंसर हो गया, एक आंसर आया राजवी का, इंक्रीजिंग ऑर्डर, गुड। तो अगर हम बात करें लिथियम, बात करें बेरिलियम, बात करें बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो लेफ्ट टू राइट रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है ना। लिथियम के नीचे है एल्युमिनियम, सॉरी सोडियम, बेरिलियम के नीचे Mg, एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन। अगर मैं बोलूं यहां पर कि लेफ्ट टू राइट रेडियस क्या होगा, तो लेफ्ट टू राइट रेडियस विल बी डिक्रीज, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रेडियस विल बी डिक्रीज, तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे छोटा लास्ट में कौन दिख रहा है? सल्फर, सल्फर से बड़ा कौन होगा? सिलिकॉन, सिलिकॉन से बड़ा कौन होगा? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से बड़ा कौन होगा? Mg, और Mg से बड़ा कौन होगा? सोडियम। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट, लर्निंग के लिए आपको बता दे रहा हूं, ऑक्साइड पे पूछा जाएगा कि ऑक्साइड पे चार्ज क्या होता है, अब क्या बोलोगे? माइनस टू। पर ऑक्साइड पे चार्ज क्या होता है? माइनस वन। और सुपर ऑक्साइड पे चार्ज क्या होता है? माइनस वन बाई टू। तो इसको राइट डाउन कर लो, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा ऐसे कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन पर ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड। तो दिस वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू, तो माइनस टू इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्साइड, माइनस वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन पर ऑक्साइड, माइनस वन बाई टू इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड। ओके, तो आपसे पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में आप पूछा जाएगा, तो आप आंसर करोगे, ठीक है। तो इसको राइट साइड वाला जो बॉक्स बना के लिखा मैंने, वो राइट डाउन कर लेना आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन क्वेश्चन, इन द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट मतलब जो नॉर्मल हम कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं उसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। इन ग्राउंड स्टेट एंड एलिमेंट हैज 13 इलेक्ट्रॉन
इन ग्राउंड स्टेट एन एलिमेंट हैज 13 इलेक्ट्रॉन इन इट्स एम सेल 13 इलेक्ट्रॉन इन एम सेल द एलिमेंट इज पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा है मैग्नीज, तीसरा है निकेल और फोर्थ वन है आयरन। तो मुझे बताओ कि एम सेल में एम बोले तो के एल एम और ये होता है एन, यानी ऑर्बिट नंबर 1, 2, 3, 4 यानी ऑर्बिट नंबर 3 में यानी एन इक्वल टू 3 में किसके पास 13 इलेक्ट्रॉन है ये पूछ रहा है। ग्राउंड स्टेट मतलब जो हम नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं उसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो ग्राउंड स्टेट का मीनिंग नहीं भी जानते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हटा दो, आप कॉन्फ़िगरेशन निकालो। मुझे अब ये बताओ कि किसके ऑर्बिट नंबर 3 में 13 इलेक्ट्रॉन है। चौगुले का आंसर आया, चलो देखते हैं। पहला है कॉपर, कॉपर में 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d। कॉपर का है ना 4s1 और 3d क्या होता है 9 होता है ना। अब ऑर्बिट नंबर 3 में बोला है तो 3 में काउंट करो, ये 3 है, ये 3 है और ये 3 है। ये 3 में कितने इलेक्ट्रॉन 2, यहां कितने 6 और यहां कितने 9, 9 और 8 कितना हो गया 17, यानी इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा आंसर रॉन्ग हो गया, एमएन मैग्नीज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d 5। 3 में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 3 में तो 2 और 6 और 8, 2 प्लस 6 प्लस 8 कितना आ गया 13। तो करेक्ट आंसर इज 13। ओके, तो इस तरह से आपका कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 35। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 35। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 35। देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल। अब उसने नाम नहीं दिया है कि 2p है कि 3p है, सारा मतलब सारे में। तो एटॉमिक नंबर 35 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, यानी 2p में प्लस 3p में प्लस 4p में, ये 3-4 इसको मिला के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ऑप्शन में है 6 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन और 23 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ मेरे को कौन सा ऑप्शन सही है। राजवी का आंसर आ गया, वो भी करेक्ट है। चलो, तो एटॉमिक नंबर 35 का आप कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो
अच्छा इसमें ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हुआ, जो हम नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं उसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि ग्राउंड स्टेट क्या है। 35 का हम कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, तो 35 का कॉन्फ़िगरेशन जो हम निकालेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p, और ये हो जाएगा 30 और ये 5 35। तो मुझे p वाला काउंट करना है, 6 6 12 और 5 कितना हो गया, 6 और 6 और 5 कितना हो गया, 17 इलेक्ट्रॉन। तो करेक्ट आंसर इज 17। तो मेरे क्यों लेके आंसर आया अभी तक राजवी का, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम, 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 ऑप्शन है 3 6 5 0, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम। तो हम पहले क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन निकाल देंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। अनपेयर्ड यही चेक करेंगे ना लास्ट में, तो सब भरा होता है, सब पेयर्ड होता है। तो यहाँ 4s1, 4 में कितने बॉक्स होता है, एक, एक क्लॉकवाइज। यहाँ 4 में कितने बॉक्स है, 5, सॉरी डी में कितने बॉक्स, 5, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। तो ये डी में 5 बॉक्स होता है, तो क्रोमियम में जहां ए सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो हम अनपेयर्ड बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट आंसर इज 6। तो इन क्रोमियम, इन क्रोमियम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 6, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन फास्फोरस, इन फास्फोरस जेड इक्वल टू 15, इन ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट इन ग्राउंड स्टेट नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सब सेल, नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सब सेल एंड ऑक्युपाइड ऑर्बिटल्स, ऑप्शन में है 3 3 3 5 और 9 5 और 5 और 3 और 6। तो कॉन्फ़िगरेशन निकाल दो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। बोला है कि सबसेल कितने हैं, तो दिस वन इज सबसेल और दिस वन इज सबसेल। तो कितने सबसेल हुए, 1 2 3 4 5। ये नहीं कि एस और एस है तो हम काउंट नहीं करेंगे, ये सबसेल, ये 1s है तो ये 2s है, अलग है, 1 2 3 4 5। तो 5 सबसेल मिल गया, ये दोनों आंसर क्या हो गया, रॉन्ग। अब हमें ऑर्बिटल्स पूछा, ऑर्बिटल्स का मीनिंग मैंने क्या बोला था आपसे, बॉक्स। अब बॉक्स एस में कितने बॉक्स है, एक, इस एस में कितने बॉक्स है, एक, इस एस में कितने बॉक्स है, 3, इस एस में कितने बॉक्स है, 1, और इस पी में कितने बॉक्स है, 3। सब में इलेक्ट्रॉन्स भरा हुआ है, बॉक्स की काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट मींस 9 बॉक्स है, यानी 9 ऑर्बिटल्स है। ऑर्बिटल्स मतलब ऑर्बिटल्स
टीच नहीं किया था, तो लिख लो ऑर्बिटल्स मतलब बॉक्स, ऑर्बिटल्स मींस बॉक्स, ठीक है, ऑर्बिटल्स मींस बॉक्स। कितने बॉक्स है ये? ऑर्बिटल्स मतलब बॉक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 इज नॉट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ, इज नॉट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ, पहला ऑप्शन है Mn+3, सेकेंड ऑप्शन है Fe+3, थर्ड ऑप्शन है क्रोमियम प्लस, और फोर्थ ऑप्शन है Cb+4, Cb+4 बराबर है। इसमें आप बताओ कि कौन सा करेक्ट आंसर है। कौन सा इसमें कॉन्फ़िगरेशन, ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है किसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं है? राजवी 4s1 नहीं लिखा गया, क्यों? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स उड़ा दिया गया है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया गया है ना, तो इलेक्ट्रॉन जब लॉस किया गया है तो वही आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है लॉस करने के बाद लिखा है। देखो ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है वो लॉस करने के बाद लिखा गया, अब इसमें 4s नहीं लिखा गया, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लॉस कहां से होते हैं? तो देखो इसका आंसर कैसे करेंगे, पहले हम निकालेंगे Mn का कॉन्फ़िगरेशन। देखो हम निकालेंगे Mn का कॉन्फ़िगरेशन, Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है 25, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d क्या होता है 5 होता है ना। अब यहां से हमें निकालना है Mn+3 का, तो कहां से तुम लॉस करोगे? पहले यहां से लॉस करोगे, फिर यहां से लॉस करोगे, फर्स्ट टाइम यहां से लॉस करोगे। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, दो लॉस कर दिया, एक और लॉस करना है, तो 3d क्या होता है 4 होता है। तो इसमें बोला है कि ये कॉन्फ़िगरेशन किसका नहीं है, तो एक्चुअल में ये कॉन्फ़िगरेशन इसे मैच नहीं करता, हमारा आंसर पहला ही हो जाएगा। अब एक बार आयरन का चेक कर लो, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। अब आयरन प्लस 3 का क्या होगा, तो हम यहां से लॉस करेंगे, तब यहां से लॉस करेंगे, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, दो यहां से लॉस कर दिए और एक यहां से लॉस करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3d5। अब देखो ये कॉन्फ़िगरेशन इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसने बोला है कि नहीं करने वाला है, ये तो मैच कर रहा है, ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। अब हम बात करते हैं क्रोमियम का, 1s2, 2 लेके यहां डाउट है सर, पहले इलेक्ट्रॉन हम 4s से क्यों लॉस करते हैं? बताया था आउटर सेल से लॉस करते हैं, भरने के लिए हम पहले फिलअप करते हैं, बट लॉस हम कहां से करेंगे 4s से, देन हम 3d से करते हैं।
अब क्रोमियम का निकाल लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d क्या होता है 5। अब यहां लिख निकालना हमें क्रोमियम प्लस 1 का, तो कहां से लॉस करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0 हो गया, यहां से हमने लॉस किया, एक ही लॉस करना है, अब नहीं लॉस करेंगे 3d5। क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन इससे मैच कर गया कि नहीं कर गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब लास्ट एक कोबाल्ट है, कोबाल्ट का होता है 27, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d 7 होता है, 3d क्या होगा 7 होगा। अब हमें किसका निकालना है, कोबाल्ट प्लस 4 का, 4 लॉस करना है, 2 यहां से लॉस करेंगे और 2 यहां से लॉस करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 2 यहां से लॉस किए और 2 यहां से लॉस करेंगे तो 5 हो जाएगा। क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन इससे मैच कर गया कि नहीं कर गया, कर गया, तो किसका नहीं कर रहा है, इसका नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, Mn+3, तो करेक्ट आंसर इज 1। डू अंडरस्टैंड, दिस इज सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप पहला बार जो एग्जाम दिए थे वो थोड़ा मैं लेवल कम करके दिया था, इस बार जो एग्जाम होगा वो लेवल थोड़ा बढ़ के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यूज्ड इन क्रोमियम, 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 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यूज्ड इन क्रोमियम। ऑप्शन है 24, 4, 12 एंड 15। तो ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है, तो क्रोमियम में निकाला, देखो मैं क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन निकाला भी हो तो कितने बॉक्स यूज हो रहे हैं, बॉक्स की संख्या निकालो। ठीक है, तो मैं नीचे वाला को डस्टिंग कर दे रहा हूं, तो यहां पर ये एस, एस में कितने बॉक्स, एक, इस एस में कितने बॉक्स, एक, पी में कितने बॉक्स, 3, एस में कितने बॉक्स, एक, पी में कितने बॉक्स, 3, एस में कितने बॉक्स, एक, डी में कितने बॉक्स, 5। काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। करेक्ट आंसर इज 15, ऑर्बिटल्स मींस 15। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करो, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम प्लस 2, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम प्लस 2। ऑप्शन में 1, 2, 3, 4, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम प्लस 2। तो आपको यहां पे क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन निकाला हुआ है, अब आप मेरे को बताओ कि क्रोमियम प्लस 2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये सब भरा हुआ है, यहां पे 4s1 है, प्लस 2 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 0 होगा ना, तो एक हमने यहां से लॉस कर दिया, और एक कहां से लॉस करें, यहां से मत करो तुम, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। मैं यहां से कर रहा हूं लिख के, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इसका हम निकाल रहे हैं क्रोमियम प्लस 2 का,
4s0, यहां पर हमने एक लॉस किया, अब एक और लॉस करना है 3d, अब एक और लॉस करना है तो यहां 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एक हमने यहां से लॉस किया और एक हमने यहां से लॉस किया, दो लॉस कर दिया, ये सब तो भरा हुआ है सब। अब इसके पास जाएंगे, d के पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5, 1 2 3 4, अनपेड कितने हैं, 4, तो देयर इज 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ओके ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम प्लस 3, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम प्लस 3, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम प्लस 3, ऑप्शन है 1 2 3 4, क्रोमियम प्लस 3। अब क्रोमियम प्लस 3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4s0, एक हमने लॉस यहां से कर दिया, अब दो और लॉस कहां से करेंगे, यहां से, तो 3d क्या हो जाएगा, 3, तो अनपेड कितना आ जाएगा, 3, तो यहां से हम 1 2 3, ठीक है। तो क्रोमियम प्लस 2 में कितना आएगा, क्रोमियम प्लस 2 में आपका आएगा 4 और क्रोमियम प्लस 3 में आएगा 3, करेक्ट है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि Ne और 3s2 और 3p3, दिस वन इज कॉन्फिगरेशन ऑफ, ऑप्शन में है ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन, दिस वन इज कॉन्फिगरेशन ऑफ, तो एक आंसर आ भी चुका है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे, आप इसको काउंट कर लो, नियॉन का कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10, और ये 2 और ये 3 कितने हो गए, 15, 15 इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा, फास्फोरस के पास होता है, तो 15 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास होता है, ऑक्सीजन नहीं होगा, फास्फोरस होगा, तो दिस वन इज कॉन्फिगरेशन ऑफ फास्फोरस, क्योंकि नियॉन का कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2 और 2p6, दिस वन इज कॉन्फिगरेशन ऑफ नियॉन, आफ्टर दैट 3s2 और 3p3। इस बार मैं लेवल बढ़ा के आपको क्वेश्चन दिया हूं, अब काउंट कर लो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 15, तो 15 इलेक्ट्रॉन किसका होता है, फास्फोरस का, आंसर इज फास्फोरस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2p6, 2d5, 3s1, 4f12, which configuration is not possible, which configuration is not possible, which configuration is not possible, एक आंसर आ गया हमारा, क्या आंसर होगा, 2d5, क्योंकि ऑर्बिट नंबर 2 में d होता है क्या, नहीं होता है, s और p होता है, तो यहां d लिखा गया है, तो 2d5 इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज सेकेंड ऑर्बिट में s और p होता है, d नहीं होता है, तो दिस कॉन्फिगरेशन इज नॉट पॉसिबल, ओके ना, दिस कॉन्फिगरेशन इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वन एच टू, टू एच टू, टू पी सिक्स, थ्री एच टू, थ्री पी फोर, दिस वन इज कॉन्फिगरेशन ऑफ सल्फर, फास्फोरस, आर्गन एंड सोडियम, दिस वन इज कॉन्फिगरेशन ऑफ, दिस वन इज कॉन्फिगरेशन ऑफ, क्या होगा आंसर इसका, ये किसका कॉन्फिगरेशन लिखा गया है,
तो आप क्या करोगे, इसके काउंट करोगे इलेक्ट्रॉन, ये वाला 2, 2, 4, 6, 10, 12, 4, 16, 16 किसका होता है, सल्फर का। तो दिस वन इज कॉन्फिगरेशन ऑफ सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैलेंसी सेल कॉन्फिगरेशन, वैलेंसी सेल कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट, वैलेंसी सेल कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट विथ जेड इक्वल टू 23, जेड इक्वल टू 23। ऑप्शन नंबर वन में 3d5 है, 4s2 3d3, 3d2 4s1 4p1, 3d3 4s1 और 4p1। बोला है कि सबसे लास्ट में वैलेंसी में आप कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा एटॉमिक नंबर 23 में, तो आप पहले कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, लास्ट में चेक करो क्या आता है 23 में क्या आता है। तो आप निकालोगे 23 का कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ठीक है, 4s2 और 3d3 होता है। तो ये दोनों को वैलेंसी बोला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लॉस दोनों जगह से होता है, इसीलिए दोनों को बोला गया है। तो वैलेंसी मतलब आउटर, तो बोथ आर आउटर, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन्स यहां से लॉस होता है तब यहां से लॉस होता है, हम दोनों को वैलेंसी बोलते हैं। और करेक्ट आंसर 4s2 और 3d3 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करना, और एक बार इस वीडियो को अभी तुरंत YouTube पे अपलोड हो जाएगा, तो उसको भी आप देख के सारे क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना आप, ठीक है। तो इस थोड़ा सा लेवल बढ़ा के मैंने दिया है, तो बी केयरफुल, एक बार दोबारा इस सारे क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रैक्टिस करना, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि हम किस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं।